एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए ये 5 गंभीर आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने कहा कि रिया ने 8 जून 2020 को सुशांत से ब्रेकअप किया था। साथ ही सुशांत के घर से रिया कैश और ज्वेलरी भी साथ लेकर चली गई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में उनके पिता केके सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। मंगलवार शाम को पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में 9 पेज की एफआईआर में सुशांत सिंह के पिता ने एक्ट्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केके सिंह ने कहा कि रिया ने 8 जून 2020 को सुशांत से ब्रेकअप किया था। साथ ही सुशांत के घर से रिया कैश और ज्वेलरी भी ले गई थी। रिया सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी भी दे रही थी। आइए अब पढ़ते हैं सुशांत के पिता के वो 5 आरोप जो उन्होंने रिया के खिलाफ लगाए हैं। नंबर 1, इस एफआईआर में यह भी बताया गया है कि रिया ने 22 मार्च को देश में कोरोना वायरस के कारण लगने वाले लॉकडाउन से पहले ही सुशांत के विश्वसनीय बॉडीगार्ड को नौकरी से निकाल दिया था। नंबर 2, एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से पिछले साल बहुत सारी शॉपिंग की थी। इसके अलावा एक विज्ञापन की शूटिंग के सिलसिले में रिया को यूरोप जाना था। वहाँ के लिए रिया के टिकट से लेकर इस ट्रिप का पूरा खर्च भी सुशांत ने उठाया था। नंबर 3, सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जबरदस्ती दवाइयों का ओवरडोज दिया और कई बार सुशांत को परिवार से मिलने से भी रोका। सुशांत के पिता केके सिंह ने उन डॉक्टर्स के ऊपर भी सवाल उठाए जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। नंबर 4, सुशांत के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने अपने बेटे का बैंक रिकॉर्ड चेक किया तो उन्होंने देखा कि एक साल में 17 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से 15 करोड़ एक ऐसे खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना था कि रिया के सभी बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि रिया ने उन पैसों में से कितने पैसों का इस्तेमाल किया और कैसे किया। नंबर 5, सुशांत के पिता के अनुसार सुशांत केरला के कुर्ग जाना चाहता था। वह अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ वहाँ ऑर्गेनिक खेती के लिए जमीन देखने जाने वाले थे, लेकिन रिया इसका विरोध कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने सुशांत को धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वह मेडिकल रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर देगी। सुशांत के पिता का कहना है कि जब उनके बेटे ने इस पर एतराज़ जताया तो रिया को लगा कि अब उन्हें सुशांत की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वह घर से कैश, लैपटॉप, ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर चली गई। बता दें कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, रिया के माता पिता और सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी पर भारतीय दंड संहिता के अंदर अलग अलग धाराओं जैसे 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा आईपीसी की धारा 342, 380, 406 धोखाधड़ी देने के लिए धारा 420 के साथ धारा 506 और 120 के तहत मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।